हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, जो है पार्ट वन जो है मैं इस इवेंट फैमिली ग्लोरी का जो है बना चुकी हूँ, और जिसमें विशिंग फाउंटेन के बारे में मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और आप डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक पाएंगे। तो अभी जो है आगे चलते हैं, और इस का जो पार्ट टू मैं बताने जा रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ये मॉन्स्टर हमको दिख रहा है यहाँ, आप देख सकते हैं चैट में जो है मॉन्स्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, और मॉन्स्टर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये फैमिली ग्लोरी वाली जो इवेंट है वो दिखाई देगी, है ना। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से है, क्या करना है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया उसमें कि मेरे पास जो है इस आईडी में जो है एक बार ये 8 वाला गिफ्ट आ गया था, है ना। वो आया था, अभी फ़िलहाल इसलिए 0 दिख रहा है क्योंकि मैंने उसको यूज़ कर लिया, है ना। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि विशिंग फाउंटेन और मैजिक क्वेस्ट जो है, आप एक तो पहली बात कि जो ये फैमिली बैटल आने वाली है, मॉन्स्टर बैटल जो आएगी शाम 7:30 बजे आएगी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये जब बैटल आएगी उसके पहले जो है आपको मैजिक क्वेस्ट और विशिंग फाउंटेन को यूज़ कर लेना है, जितना भी आप यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उसके जो बेनिफिट्स हैं आपको इस बैटल के दौरान मिलेंगे। तो पहली चीज़ ये क्लियर कर दूं। और एक्चुअली जब स्टार्टिंग में पहले ही दिन मैंने ये करके देखा था और मेरे पास ये 8 वाला आ गया था, तो उस टाइम पता नहीं था, तो मैंने उसको ऐसे ही यूज़ करके देख लिया था। ओके, तो वो जो चीज़ है मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि यदि आपको विशिंग फाउंटेन में कोई गिफ्ट मिल रहा है या मैजिक क्वेस्ट में कोई ऐसे गिफ्ट मिल रहे हैं जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली वो जो है उस टाइम पर यूज़ करना है जब आपका ये बैटल चलेगा। तो उसमें जो है आपको इसका अटैक पावर और ये सब जो है बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो चीज़ पहले बताने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। अब ये समन जो है ये भी मैं आपको क्लियर करूँगी इसमें पॉइंट, तो आराम से पहले रूल्स देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए रूल्स में चलते हैं। अब देखिए लिखा है, ज्वाइन लिमिटेड टाइम टीम बैटल्स अगेंस्ट मॉन्स्टर्स ईच डे एंड गेट रैंडम रिवॉर्ड्स फॉर ईच अटैक, है ना, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के लिए इवेंट है, टोटल 9 डेज की थी, अब जिसमें कम दिन बाकी हैं। ईच टाइम अ मॉन्स्टर इज डिफीटेड द टॉप 10 फैमिलीज दैट डील द मोस्ट डैमेज रिसीव अ फिक्स नंबर ऑफ ग्लोरी पॉइंट्स, है ना। उन्होंने बोला कि जो एक मॉन्स्टर मर रहा है, जैसे एक मॉन्स्टर मरेगा उसके बाद दूसरा आएगा, जैसा कि हमारा फैमिली बॉस में होता है उसी टाइप से, बट इसमें अंतर यह है कि जो मॉन्स्टर मार रहे हैं वो सारी फैमिलीज़, जितनी भी फैमिलीज़ खेल रही हैं वो सारी फैमिलीज़ मार रही हैं उस पर्टिकुलर रीजन से, ठीक है। द टॉप 10 फैमिलीज़ दैट डील द मोस्ट डैमेज रिसीव अ फिक्स नंबर ऑफ ग्लोरी पॉइंट्स, तो उन सब में मान लीजिए पूरा गेम फिनिश हो गया, है ना, अब उसमें जितने भी मॉन्स्टर मरे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है टॉप 10 फैमिलीज़ की लिस्ट बनेगी, और जिसका जो है डैमेज सबसे ज़्यादा होगा जिस फैमिली का, तो इस तरीके से टॉप 10 फैमिलीज़ की रैंक बनेगी और उनको उसके अकॉर्डिंग जो है फिक्स नंबर ऑफ़ ग्लोरी पॉइंट्स जो फिक्स किए हैं स्टार मेकर ने वो मिलेंगे, है ना। अब ग्लोरी पॉइंट्स जो है आगे जाके काम आएंगे जब वो रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे जब कॉम्पीट होगा, तो ये ग्लोरी पॉइंट्स ही काउंट किए जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अब अ पोर्शन ऑफ द कॉइंस स्पेंड ड्यूरिंग द एक्टिविटी आर एडेड इन टू द प्राइस पूल, अब ये जो जो भी कॉइंस लग रहे हैं, है ना, ये गेम जो है पूरा कॉइन बेस्ड ही है और इसमें जितने भी कॉइन्स लगा रही हैं सारी फैमिलीज़ मिलके, है ना, तो उसका एक पोर्शन जो है वो प्राइज पूल में जाता है। और एट द एंड ऑफ द ईच डेज मॉन्स्टर टीम बैटल, तो आज जैसे आज की मॉन्स्टर बैटल पूरी ख़त्म हुई है, उसके बाद क्या होगा, ये जो प्राइज पूल का जो कलेक्टेड जितने भी कॉइन्स कलेक्टेड हैं आज के दिन में, जितना भी प्राइज पूल में गया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग टॉप 10 फैमिलीज़ को उनके डैमेज के अकॉर्डिंग जो है ये जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, है ना। अब उसके बाद है, द प्लेयर हु डील्स द फाइनल ब्लो टू द मॉन्स्टर इन ईच राउंड विल अर्न बोनस ग्लोरी पॉइंट्स फॉर देयर फैमिली, ये बहुत ही खास पॉइंट है फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी फैमिली खेल रही है और ये पॉइंट यदि आपने मिस किया तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो भी प्लेयर
जो भी मान लीजिए एक मॉन्स्टर चल रहा है, पहला मॉन्स्टर जो है उसका 5000 EXP होता है, तो वो यदि मॉन्स्टर चल रहा है ना, अब उसमें लास्ट पॉइंट बचा हुआ है मान लीजिए 200, 400, 500 जितना भी बचा हुआ है, अब लास्ट हिट जो भी व्यक्ति करता है जिसको लास्ट हिट करने से वो वाला मॉन्स्टर मर जाता है, तो वो जो लास्ट हिट का बेनिफिट है उसको बहुत सारा मिलेगा। वो उसमें उसको क्या क्या मिलेगा वो चीज़ें तो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट उसके साथ में मैं ये बता दूं कि उसकी फैमिली को जो है फिक्स ग्लोरी पॉइंट्स जो है एडिशनल मिलेंगे, जो बहुत बेनिफिशियल होगा फैमिली के रैंक के लिए, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो, और रीजनल लेवल में आप यदि ऊपर चले गए तो आप ग्लोबल लेवल में भी इस अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो ये जो लास्ट हिट है इस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसी के हिसाब से जो है आपको स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए अपने गेम की। अब यूज़ अ क्रिट अटैक कार्ड टू डील डबल डैमेज, है ना। अब यदि आपको क्रिट अटैक कार्ड मिलता है, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, आपको यहीं से मिलेगा, ये जो हमारा मैजिक क्वेस्ट है यहाँ से मिल सकता है ये क्रिट अटैक कार्ड। तो आपको जो है जितने आप मैजिक क्वेस्ट ओपन करेंगे उसमें क्रिट अटैक कार्ड कब निकलता है ये पूरा लक पर डिपेंड करता है। डेफिनेटली ज़्यादा कॉइंस लगवा के ही वो क्रिट कार्ड जो है अटैक कार्ड निकालेगा, ऐसे ही तो निकालने नहीं वाला है, ठीक है। तो आपको जो है ये मैजिक क्वेस्ट से क्रिट अटैक कार्ड लगेगा, और जब ये क्रिट अटैक कार्ड आप लगाएंगे तो आपका जो डैमेज आपका जितना भी होगा उसको हमेशा ये डबल कर देगा गेम के दौरान, उस पर्टिकुलर गेम के दौरान, ठीक है। अब मैजिक क्वेस्ट है, मैजिक क्वेस्ट में क्या बता रहे हैं ध्यान दीजिए, बिफोर द मॉन्स्टर टीम बैटल स्टार्ट्स यू मे पार्टिसिपेट इन द मैजिक क्वेस्ट। हाँ, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये मैजिक क्वेस्ट पूरे दिन खुला रहेगा मॉन्स्टर के आने से पहले तक, मतलब 7:30 बजे ये मैजिक क्वेस्ट बंद हो जाएगा, उसके पहले ही आपको ये सब कर लेना है ना। जितना भी आप करना चाहते हैं उससे जो भी आपको मिलने वाला है वो सब चीज़ें आपके इसमें कलेक्ट हो जाएं, उसके बाद ये मॉन्स्टर 7:30 बजे स्टार्ट होगा और ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, वे यू कैन गेट फ्री गिफ्ट्स एंड क्रिट अटैक कार्ड्स आपको मैजिक क्वेस्ट में मिलेगा, ये मैं बता चुकी हूँ। देर आर टू वेज टू गेट समन चांसेस। अब ये समन चांसेस क्या हैं ये चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, मैंने जो किया था वो चीज़ भी करके आपको पूरा दिखाऊँगी, और उसके साथ में अपने बैगेज में आपको गिफ्ट्स भी दिखाऊँगी, ठीक है। तो ये समन चांसेस जो है उसके दो तरीके हैं, पहला है बाय स्पेंडिंग कॉइंस, या तो आप कॉइंस को स्पेंड करो और समन चांसेस लो, या फिर सेंडिंग विश गिफ्ट्स। अब ये विश गिफ्ट्स क्या है, जो हमने हमारे फाउंटेन जो विश फाउंटेन में से जो हमको गिफ्ट मिलता है ना, वो यदि हमको गिफ्ट मिला है तो जो है उसके पर्टिकुलर समन चांसेस दिए गए हैं, कि जैसे 8 वाला ये निकला था मेरे पास में, तो उसको नॉर्मल समन उसमें कितना मिलेगा 33, और एडवांस समन कितना मिलेगा 4, ठीक है। तो अभी एक मैं समझाती हूँ आपको, उधर चल के ही जब हम मैजिक सॉरी विशिंग फाउंटेन से जब हम ये निकालते हैं फिर मैजिक क्वेस्ट में जाते हैं, तो क्या मतलब है नॉर्मल समन का और क्या मतलब है एडवांस समन का वो भी बताती हूँ, और इस समन का क्या फ़ायदा हुआ वो भी बताती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है कि देखिए आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर में यदि आपको ये लास्ट SR गिफ्ट मिलता है तो इसका नॉर्मल समन 5000 है और एडवांस समन 500 है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। अब रैंडम रिवॉर्ड्स आपको मैजिक क्वेस्ट में क्या क्या मिलेंगे आप देख लीजिए, जो ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ ये मिलता है, या फिर ये मिलता है, या फ्रेम का फ्रेगमेंट मिलता है ज़्यादातर, है ना। अब ये वाला यदि आपको निकलता है ये कब निकलेगा, जब आप डेफिनेटली जो है ज़्यादा कॉइन्स लगाते हैं तभी ये निकलने की संभावना है, ऐसे अदरवाइज़ ये नहीं निकलता है, या तो ये इसके फ्रेगमेंट्स निकलते हैं ये निकलता है ना, तो वो जो चीज़ें आप मर्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ये काहे में निकलेगा, मैजिक क्वेस्ट में निकलेगा। अब नेक्स्ट आती है, इसमें देखिए एक बात दी है, बहुत स्पेशल चीज़ है ये उन फैमिलीज़ के लिए जो कंपटीशन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत मायने रखती है। अब इसमें देखिए फैमिली रिवॉर्ड्स में लिखा हुआ है, ऑल मेम्बर्स ऑफ द यूजर्स फैमिली डील डबल द डैमेज व्हेन अटैकिंग मॉन्स्टर्स, है ना। यदि आप मतलब उन्होंने बोला कि आपके पास यदि ये कार्ड होते हैं, है ना, आपको जो फैमिली रिवॉर्ड्स में ये कार्ड दिए गए हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो भी जितने भी मेंबर्स हैं यूज़र्स की फैमिली में, मतलब जिस बंदे के पास भी ये आया है कार्ड, और उसके जितने भी मेंबर्स हैं उसकी फैमिली के, उनका
डबल डैमेज हो जाएगा जब ये एक व्यक्ति जो है इस कार्ड को यूज़ कर रहा है, तो उन सभी का जो है डबल डैमेज हो जाएगा। और यदि इस यूज़र के पास ये दोनों कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड हैं, तो फैमिली मेंबर्स कैन डील 6 times द डैमेज। तो ये कार्ड्स कहाँ से मिलेंगे ये तो नहीं लिखा है, तो आई थिंक सो ये मैजिक क्वेस्ट में से ही निकलने वाले हैं। और इसको फैमिली रिवॉर्ड्स इसलिए बोला गया है क्योंकि एक बंदा यूज़ कर रहा है बट उसकी पूरी फैमिली के मेंबर्स को उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो आप खुद सोच सकते हो यदि पूरी फैमिली को 6 times डैमेज मिल जाए ये दो कार्ड के थ्रू, तो वो जो फैमिली है डेफिनेटली वो ऊपर आ ही जाएगी। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। ओके, अब मॉन्स्टर टीम बैटल देखते हैं। आफ्टर मैजिक क्वेस्ट एंड्स अ फैमिली मॉन्स्टर अवेकन्स एंड अ लिमिटेड टाइम मॉन्स्टर बैटल बिगिंस। ईच टाइम अ मॉन्स्टर इज डिफीटेड अ हायर लेवल मॉन्स्टर इज अनलॉक। एक मॉन्स्टर मर जाता है तो उससे बड़ा वाला जो मॉन्स्टर है फिर से आ जाएगा। और आप सभी को, मतलब जितनी भी फैमिलीज खेल रही है उस रीजन से, पर्टिकुलर रीजन से, तो वो सभी जो है वो उस मॉन्स्टर को मारेंगी, है ना। और जो भी डैमेज हाईएस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। अब उसके साथ में एक खास चीज़ है कि आप जब अटैक कर रहे हैं, है ना, ये अटैक वाली चीज़ बहुत ध्यान से समझने की ध्यान दीजिए। अटैकिंग स्पेंड कॉइन्स और सेंड द फॉलोइंग गिफ्ट्स बिलो टू अटैक मॉन्स्टर्स। उन्होंने बोला कि या तो अपने कॉइन्स को स्पेंड करो, है ना, 5 coins जब आप स्पेंड करते हैं तो आप एक अटैक लगा पाते हैं, वो मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। इफ़ योर फैमिली डज नॉट हैव एनी क्रिट अटैक कार्ड्स दैट डैमेज विल बी एज फॉलोज। यदि आपकी फैमिली के पास क्रिट अटैक कार्ड नहीं है तो आपकी फैमिली का अटैक इस तरीके से होगा। इफ़ योर फैमिली हैज क्रिट अटैक कार्ड्स डैमेज विल बी मल्टीप्लाइड बेस्ड ऑन द क्रिटिकल अटैक मल्टीप्लायर। अच्छा, क्रिट अटैक कार्ड में सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं आता है, मल्टीप्लाइड बाय 3 भी आता है और मल्टीप्लाइड बाय 6 भी आता है, जो कि मैंने पिछले गेम्स में देखा है। 2 दिन अभी हो चुके हैं इसके गेम को, तो उसमें मैंने देखा है, तो वो चीज़ भी मैं आपको शो कर दूंगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर कि आप देख रहे हो कि यदि हम एक कॉइन 5 coins लगाते तो हमको अटैक मिलेगा सिर्फ 1 का, ठीक है। अब उसके बाद यदि मेरे पास ये वाला गिफ्ट है, 120 star वाला गिफ्ट है, यदि मैं ये सेंड करती हूँ तो मुझे 2 का अटैक मिलेगा, ठीक है। अब ये वाला गिफ्ट है मेरे पास तो मुझे 10 का अटैक मिलेगा। यदि मेरे पास ये फाउंटेन, जो विशिंग फाउंटेन है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, यदि कॉइन्स आपकी फैमिली करती है स्पेंड, तो मैं कहूँगी कि इसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। फैमिली कैप्टन को बहुत ध्यान देना चाहिए इस पर। और स्टार्टिंग के जो 10 फैमिली मेम्बर रहेंगे उनकी चांदी है इसमें। रीजनल लेवल पर भी आपको ब्लैक वी टैग मिल रहा है इसके साथ में, वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना है। अब मेरे हिसाब से जो चीज़ मैं बता रही हूँ आप उस चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो 3 gifts हैं ये आपको मिल सकते हैं मैजिक क्वेस्ट में, है ना, ये तो कॉइन्स हैं, इन ये 2 gifts तो आपको मैजिक क्वेस्ट में मिल सकते हैं। बाकी ये जो गिफ्ट हैं, ये जो 4 gifts हैं, ये आपको कहाँ मिल रहे हैं, ये आपको मिल रहे हैं विशिंग फाउंटेन में से। तो यदि आप रीजनल लेवल पे जीतने की तैयारी में है तो भाई विशिंग फाउंटेन आपको खेलना बहुत ज़रूरी है। और विशिंग फाउंटेन को, जैसा कि मैंने उसमें बताया था आपको पिछले वीडियो में, वो वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, कि आप 8 वाले पे विश करेंगे, है ना, और 8 वाला आपको मिल गया तो आप ध्यान दीजिए आपको 20 का अटैक मिल रहा है 8 वाले से। यदि आप 8 वाला जो है गेम के दौरान, मतलब ये जब मॉन्स्टर बैटल चल रही है उस गेम के दौरान आप आपके पार्टी रूम में, है ना, पार्टी रूम में बैठकर आप गिफ्ट कर सकते हैं। आप पार्टी रूम में जब सीट्स पर रहेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स जो भी आप लोग खेल रहे हो, है ना, तो नीचे फैमिली ग्लोरी का ऑप्शन आता है पार्टी रूम में, आप उसको क्लिक करोगे तो डेफिनेटली जो है उसमें जितने भी सीट पर मेंबर्स होंगे वो आपको ऑप्शन में दिखाएगा और आप उनमें से किसी को भी सेंड कर पाएंगे। अब यदि आप गेम के दौरान इसको सेंड करते हैं तो आपको 20 का अटैक मिलेगा, है ना, मतलब आप 20 का अटैक लगा पाएंगे। अब उसके साथ में यदि आपके पास क्रिट अटैक कार्ड है, मान लीजिए मल्टीप्लाइड बाय 2 का, तो आप कितने का अटैक लगा पाएंगे, आप 40 का लगा पाएंगे। मल्टीप्लाइड बाय 3 का है तो आप 60 का अटैक लगा पाएंगे। मल्टीप्लाइड बाय 6 का है तो आप 120 का अटैक लगा पाएंगे इसके थ्रू। अब आपकी फैमिली यदि जो है आप कॉम्पीट कर रहे हो तो डेफिनेटली इतने से तो आपका काम नहीं चलना है। आप ये वाला भी ले सकते हैं, 180 वाला भी,
और आप SR गिफ्ट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। SR गिफ्ट मैं कहूँगी कि यदि आपको जीतना है तो SR गिफ्ट दी बेस्ट है, पर इसकी एक विश जो है 1000 कॉइन की है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आपकी फैमिली यदि कॉइन बेस्ड है, आप कॉइन बहुत लगाते हैं, तो डेफिनेटली आपको SR के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि इसका क्या फ़ायदा है वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि इससे आपको मिलेगा वर्ल्ड चेस्ट और मेगा रश, जो अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद है। इस गेम को मैं आपको बता दूँ, इस गेम में जो है मतलब आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने की भी संभावना है। और दूसरा, ये थोड़ा स्ट्रैटेजी दिमाग से खेलने का गेम है। आपने यदि स्ट्रैटेजी अभी सही तरीके से लगाई तो अभी जो है इतने ज़्यादा अलर्ट नहीं है लोग, कि इस गेम को एकदम से समझना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो चीज़ बोल रही हूँ उन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा कि आपको यदि आप जीतने के उसमें हैं कि आप जीत सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको इन दोनों जो है विशिंग फाउंटेन की इन दोनों चीज़ों पर कंसंट्रेट करना चाहिए, जो आपको SR विश करने पर ही मिलने वाले हैं। ठीक है, 1000 कॉइन्स की विश करने पर ही मिलने वाले हैं। और इन दोनों में से यदि आपको कोई भी चीज़ मिलती है, तो आप मेरी बात समझिएगा ध्यान से। आपने विशिंग फाउंटेन में से मान लीजिए आपको ये मिला, अभी हम इसको नहीं भी करते, SR वाला मिल जाता है तो आपको मेगा रश का भी फ़ायदा मिलेगा, वर्ल्ड चेस्ट का भी फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे बैगेज के अंदर, और आपको बोनस जो है रिवॉर्ड भी मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया था बोनस माउंट का, और उसके साथ में जो है आपको 3000 का अटैक भी देगा ये। अब ये अटैक से आपको कैसे फ़ायदा उठाना है वो चीज़ मैं समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। आपके पास क्रिट अटैक कार्ड मान लीजिए ×2, ×3, ×6 का है। ठीक है, अब ये क्रिट अटैक कार्ड्स आपके पास ×6 का है, और आपके पास ये वाला जो है आपने गिफ्ट सेंड किया है, तो ये वाला आप जब गिफ्ट सेंड कर रहे हैं और आपका क्रिट अटैक कार्ड आपने ×6 या ×2 का लगा रखा है, जो भी आपको मिल रहा है, तो मैं 6 की बात करूं तो ये 6 × 3 = 18, तो आपको एट अ टाइम ये 18000 का अटैक देगा। तो आप उस चीज़ की अहमियत समझिए कि यदि आपको जीतना है तो आपको SR वाले पे ही विश करना है, और आपको विशिंग फाउंटेन पे ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि विशिंग फाउंटेन में से आपकी जितनी भी लिमिट हो गोल्ड कॉइन्स की, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। यदि आप बड़े लेवल पे काम करते हैं तो आपको SR वाला लगाएंगे, तो इन दोनों में से मिलने की संभावना एक है कि आपको मिल जाएगा। 3000-4000 कॉइन्स आप लगाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको शायद ये मिल ही जाएगा। ओके, और हो सकता है स्टार मेकर थोड़ी और चालाकी कर जाए, 4-5 बार में मिले, बट डेफिनेटली इसके मिलने के ब्राइट चांसेस हैं। ओके, और यदि ये मिल गया तो डेफिनेटली जो है आप इसमें रीजनल लेवल पे आप ऊपर चले जाएंगे, और रीजनल लेवल के रिवॉर्ड्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, और उससे आपको गोल्डन चांस बन जाएगा आगे उसमें ग्लोबल राउंड में भी जाने का। वहाँ तक नहीं भी जाते हैं तो रीजनल लेवल पे भी जो है इसके रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। ओके, अब यदि हम ज़्यादा लेवल पे नहीं भी कर रहे तो भी मैं आपको बोलूँगी कि ये पैराशूट वाला जो गिफ्ट है आप इसको ज़रूर लीजिए, इस पर आप विश ज़रूर कीजिए। 100 कॉइन्स का जो आपको विश रहेगा पर विश, और डेफिनेटली यदि ये आपको मिलता है तो आपको इससे 180 का अटैक तो मिलेगा ही मिलेगा, और क्रिट अटैक कार्ड आपने साथ में मैजिक क्वेस्ट से आपको मिल गया, तो कितने भी हो तो एटलीस्ट आपको 360 का कम से कम, यदि क्रिट अटैक कार्ड लगाते हैं आप तो आपको 360 का अटैक तो मिल ही जाएगा इससे। तो ये चीज़ आप होपफुली समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको विन करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और बाकी कोई जनरल लेवल पे खेल रहा है तो आपके पास जो भी गिफ्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो मैजिक क्वेस्ट के इनमें से हो या फिर जो है आपके विशिंग फाउंटेन के हों, तो डेफिनेटली जो है आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब मैं मेगा रश पर आ रही हूँ, और ये चीज़ मैंने उसमें क्लियर कर दी थी क्योंकि ये वाला रूल मैंने पहले पढ़ लिया था। अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मेगा रश आपको कब मिलेगा, जब आप एक SR गिफ्ट को सेंड करेंगे। और कहाँ सेंड करना है आपको SR गिफ्ट को, पार्टी रूम में ही सेंड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पार्टी रूम या लाइव रूम बोलते हैं, बट पार्टी रूम में ही ज़्यादा जो है कन्वीनियंट होगा खेल के दौरान करना। ठीक है, तो सेंडिंग एन SR गिफ्ट ड्यूरिंग अ टीम बैटल ट्रिगर्स मेगा रश। तो जैसे ही आप एक SR गिफ्ट को सेंड करते हैं अपने किसी फ्रेंड को या अपनी किसी आईडी को रूम में जो हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसी टीम बैटल के दौरान मेगा रश जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। और ये कितनी देर के लिए ट्रिगर होगा, ये 5 मिनट पीरियड के लिए ट्रिगर होगा। अब मैं इस बात को आपको समझा रही हूँ किस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मान लीजिए आपका ये SR गिफ्ट आपने दिया,
है ना, तो उसी दौरान जो है आपका वर्ल्ड चेस्ट भी निकलेगा इसमें, क्योंकि आप पार्टी रूम में दे रहे हो, आपको वर्ल्ड चेस्ट भी मिलेगा। वर्ल्ड चेस्ट में हो सकता है उसमें आपको गिफ्ट मिले, और आपका नाम जो आएगा वो तो आएगा ही आएगा उस पर लिखा हुआ ऊपर, तो वो चीज़ भी मायने रखती है। और उसके साथ में जो है ये मेगा रश आपको मिलेगा अगले 5 मिनट के लिए, तो अगले 5 मिनट के लिए आपका डैमेज डबल हो जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हो, आपको ये SR गिफ्ट 3000 का अटैक दे रहा है, आपके पास मान लीजिए क्रिट अटैक कार्ड नहीं भी आया और आपने इस SR गिफ्ट को सेंड किया, तो अगले 5 मिनट तक जब आप जितने भी जो अटैक करने वाले हैं, है ना, अब उसके बाद आप जितने भी अटैक करने वाले हैं, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, आपके हर अटैक को डबल कर देगा अगले 5 मिनट में जितने भी अटैक होने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके साथ में देखिए नीचे लिखा है क्रिटिकल अटैक डैमेज इज डबल फॉर एवरी क्रिट अटैक कार्ड, ठीक है, क्रिटिकल अटैक जो है डैमेज जो है डबल हो जाएगा हर क्रिट अटैक कार्ड पर। मान लीजिए आपके पास 4 से 5 क्रिट अटैक कार्ड हैं, ठीक है, वो सब मल्टीप्लाइड बाय 2 ही है, ओके, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। अब आपने पहला क्रिट अटैक कार्ड लगाया, अब आपका अटैक मान लीजिए 180 है, तो वो हो गया 360। आपने मान लीजिए एक साथ 3 क्रिट अटैक कार्ड लगा दिए, तो 3 क्रिट अटैक कार्ड मतलब आपको वो कितना देगा, वो आपको देगा मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। तो ये जो आप समझ सकते हैं कि 3 क्रिट अटैक कार्ड आप लगा रहे हो, तो आपका ये जो 180 है, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, 18 6 108, दैट इज़ 1080 का आपको अटैक पावर देगा। तो होपफुली आप ये चीज़ें समझ गए होंगे और इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से वाइजली इन चीज़ों को यूज़ करना है यदि आप रीजनल लेवल पे ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है। और यदि आप सिर्फ गेम पर्पज़ गिफ्ट पर्पज़ से खेल रहे हैं, तो फिर मैं आगे जो भी चीज़ें बताऊँगी आप उसको करिए और इन्जॉय करिए, है ना, 8 वाले पे लगा कर ही इन्जॉय करिए गिफ्ट्स को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब रैंडम रिवॉर्ड्स आपको दिखा रही हूँ, ध्यान दीजिए। रैंडम रिवॉर्ड्स में लिखा है कि आपको जो रैंडम रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको ये वाली चीज़ें मिल सकती हैं, कि ये बोल रहा है कि ये है, आपको फ्रेम मिल सकती है, और ये बताया जैसा मैंने आपको दिखाया था ये 9 स्टार का। तो इसमें जो टूल आपको मिल रहा है ना, तो टूल जो आपको मिल रहा है वो टूल आपका कैसे एक्टिव होगा, उन्होंने बोला एवरी 10 टूल फ्रेगमेंट्स यू कलेक्ट विल मर्ज इनटू 1 टूल, मतलब टूल के लिए आपको 10 फ्रेगमेंट्स लगेंगे, वो एक 1 टूल में कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपके गिफ्ट फ्रेगमेंट्स है, जैसे फ्रेम का गिफ्ट फ्रेगमेंट है, वो चाबी वाला जैसा जो गिफ्ट है उसका जो है, चाबी नहीं है आई थिंक बॉटल है वो, तो वो बॉटल वाला जो गिफ्ट है उसका जो है फ्रेगमेंट है, वो 3-3 फ्रेगमेंट जब आप उसको मर्ज करेंगे तो वो एक गिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है ये हाफ HP वाला, ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, इस चीज़ को भी आप ध्यान से समझिए, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको वो मॉन्स्टर वाले पे जा के समझाती हूँ। तो आप देखो अभी ये मॉन्स्टर वाले पे जाते हैं, ये देखिए अभी आप देख रहे हो ये पहला जो है 5000 का EXP है, जब ये गेम स्टार्ट होगा, अभी 3 घंटे समथिंग बता रहे है ना, तो ये जब गेम स्टार्ट होगा पहला जो है 5000 का है। अब मान लीजिए 5000 का करते करते 2500 बचा, अब यहाँ देख रहे हो यहाँ बॉक्स बना हुआ है, 2500 बचा मतलब हाफ HP बचा। ये वाला मॉन्स्टर मरेगा तो बड़ा वाला आएगा, उसका हाफ जो होगा वो होगा 5000 के बाद 10000 वाला आता है, तो 10000 का हाफ होगा 5000। तो जब भी आप हाफ HP पे आएंगे, तो हाफ HP तक जितनी भी फैमिलीज़ ने इन सब में अटैक किया है, और उनमें जो हाईएस्ट डैमेज वाली फैमिली है, उसके फैमिली कैप्टन को और उसके 3 कंट्रीब्यूटर्स को, 3 मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर्स को एक बैज दिया जाएगा, ठीक है। ये जो है हाफ HP बेनिफिट आपको दिया गया है, तो होपफुली ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई थी। अब वापस चलते हैं हमारे रूल्स के ऊपर, तो देख लीजिए हाफ HP वाला मैंने समझा दिया है। लास्ट हिट मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, अब आपको इसके रिवॉर्ड्स दिखा देती हूँ। लास्ट हिट में जो है, आप जब लास्ट हिट करेंगे तो आपको जो है ग्लोरी पॉइंट्स मिलेंगे आपकी फैमिली के लिए 66, ठीक है, तो बहुत मायने रखते हैं। यदि आपको जीतना है रीजनल लेवल पर, तो डेफिनेटली ये बहुत मायने रखता है। लास्ट हिट किसी के खाते में मत जाने दीजिएगा, लास्ट हिट ऐसा बचा के रखिए सॉलिड कि आप मारें और उससे वो जो है मर जाए, है ना, लास्ट हिट आपका ही ब्लो होना चाहिए। और उसके साथ में आपको ये 5 गिफ्ट्स मिलेंगे, और ये 5 गिफ्ट्स भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं अपने अटैक के लिए, ठीक है। उसके साथ में जो ये आपको
बैज मिलेगा वन डे के लिए। तो होपफुली आप ये चीज़ समझ गए होगे, लास्ट हिट का जो है इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत है। अब मैं ये बता दूँ इन शॉर्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑटोमेटिकली। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो है 1 से लेकर 10 तक है, टॉप 10 फैमिलीज़ को जो है इस अकॉर्डिंग जो है आपको उन्होंने बोला है कि प्राइस पूल से जो कॉइन्स मिलेंगे वो इस अकॉर्डिंग मिलेंगे, एंड द टॉप 10 फैमिलीज़ विल द मोस्ट डैमेज ईच राउंड रिसीव ग्लोरी पॉइंट्स। सॉरी, ये ग्लोरी पॉइंट्स है ना, कॉइन्स तो उस अकॉर्डिंग मिलेंगे, प्राइस पूल के अकॉर्डिंग, कि प्राइस पूल में कितने कॉइन्स जमा है उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है, परसेंटेज वाइज। और ये जो है आपको ग्लोरी पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब आप नंबर 1 पे तो आपको 200 ग्लोरी पॉइंट्स मिलेंगे, और ये ग्लोरी पॉइंट्स का ही पूरा गेम है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये लास्ट हिट वाले ग्लोरी पॉइंट्स पे ज़रूर कंसंट्रेट करिए, ये आपकी जो है ऊपर नीचे कर देगा फैमिली रैंक को, ठीक है। तो ये जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, स्ट्रैटेजी वाइज खेलेंगे आप लोग दिमाग से तो डेफिनेटली आपकी फैमिली आगे निकल जाएगी, दूसरी फैमिली से भी जो ज़्यादा कॉइन्स लगा रही हैं उनसे भी आगे निकल सकती हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया कि टॉप 10 फैमिलीज़ को भी जो है परसेंटेज वाइज मिलेगा, और उसके साथ में ये है, जैसे मान लीजिए मेरी फैमिली को जो है टोटल प्राइस पूल का जो है 5000 जो है मेरी फैमिली को मिला है, मान लीजिए 5000 कॉइन्स मिले हैं, तो मेरी फैमिली के, मेरी पर्टिकुलर फैमिली के वो 10 मेंबर्स जो हाईएस्ट मैक्सिमम उन्होंने कॉइन्स लगाए हैं, उन 10 मेंबर्स को भी जो है परसेंटेज वाइज जो है कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना, इस तरीके से कि नंबर 1 को 30%, नंबर 2 को 20%, इस तरीके से। तो फैमिली में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और साथ में फैमिली मेंबर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अभी ये ग्लोबल बैटल के बारे में अभी हम बात ना करें, वो बेहतर होगा, पहले रीजनल लेवल से निपट लें, उसके बाद जो है ग्लोबल लेवल का भी बना दूंगी, ठीक है, आपको जैसी ज़रूरत होगी। तो होपफुली जो है आप सारे रूल्स इसके समझ गए होंगे, और एक बार वापस इधर चल कर उसमें बॉस में देख लेते हैं कि बॉस में आपको कुछ और बताने जैसा हो तो वो बता देती हूँ आपको। देखिए बस इसमें तो नॉर्मल है, ये टाइम पे ही स्टार्ट होगा। अटैक कैसे करना है, तो अटैक आप जो है कॉइन से भी कर सकते हैं, 5 कॉइन जो है लगाकर भी कर सकते हैं, उससे आपको सिंपल एक 1 अटैक मिलेगा। तो ये जो है मेरे हिसाब से तो नहीं है इम्पॉर्टेंट, मैंने जो बताया विशिंग फाउंटेन से आप करिए। अब मैं आपको लास्ट में मेरा वो वीडियो बता देती हूँ जो कि जैसे उससे समन जो मैंने बताया आपको कि समन कैसे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, है ना। वो आपको गिफ्ट जो है मैंने ऐसे ही सेंड कर दिया था, मैंने आपको बताया जैसा कि मुझे आइडिया नहीं था पहले, स्टार्टिंग में ही मैं देख रही थी इसको, तब मैंने जो है इसको ऐसे ही गिफ्ट सेंड करके देख लिया था। पर आपको बैटल के दौरान करना है, तो आप बैटल के दौरान भी करेंगे तो वो आपको समन जो है गिफ्ट्स वो जो है आपको मिल ही जाएंगे, गॉट इट। तो ये जो चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ वीडियो में आगे।